नमस्कार, महबूबाबाद यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली, JPHS दवंगरा पाठशाला में लैंग्वेज पंडित हिंदी का कार्य कर रहा हूँ। मित्रों बच्चों, कल के कक्षा में हम लोग ईदगाह पाठ से संबंधित कवि परिचय और इसके कवि कौन है, उनके रचनाएं और ईदगाह पाठ का उद्देश्य क्या है और उस पाठ का विधेय, इन विषयों पर हम चर्चा किए थे। और आज के कक्षा में, आज के डिजिटल कक्षा में हम चर्चा करेंगे ईदगाह सारांश के आधार पर उस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य विषय क्या है, इस विषय के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो पहले हम जानेंगे इस ईदगाह पाठ के, इस ईदगाह पाठ में कवि या लेखक प्रेमचंद रचना शैली किस प्रकार गुजरी। ईदगाह पाठ में हम देखेंगे तो ईद के सुनहरे दिन का वर्णन किया गया। ईद का, ईद के दिन किस प्रकार थी प्रकृति, इस विषय पर प्रेमचंद ने अपनी रचना में वर्णन किया। ईद के दिन का वर्णन इस प्रकार किए थे कि उस दिन प्रकृति वृक्षों पर एक प्रकार की रौनक, एक अजीब रौनक देखने लायक थी और हरियाली देखने लायक थी। और जब आसमान पर देखेंगे तो एक अजीब लालिमा छाई हुई थी। इस प्रकार दिखती थी प्रकृति कि सारे संसार को प्रकृति ईद की शुभकामनाएं दे रही होगी। इस प्रकार था वातावरण। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है ईदगाह कहानी में, कवि उस दिन की प्रकृति किस प्रकार थी इस प्रकार वर्णन किया है। और इसमें दूसरा बिंदु ये है कि त्योहार के दिन बच्चों में उमड़े हुए उत्साह और खुशियों के बारे में चर्चा हुई। त्योहार साधारण रूप से बच्चों के लिए तो खुशियां ही लाती है, बच्चों के लिए खुशियां ही लाती है। हम इस कहानी में जब देखेंगे तो कुछ हामिद के मित्र कौन कौन है, एक महमूद और मोहसिन, सम्मी आदि मित्र, और उनकी खुशी किस प्रकार थी। और उनके जब त्योहार के समय कुछ पैसे जमा करते थे, इकट्ठा करते थे और बार बार उस पैसों को गिनते थे, महमूद गिनता था, मोहसिन गिनता था और अपनी खुशी प्रकट करते थे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इस प्रकार का वर्णन हम ईदगाह कहानी में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हामिद की स्थिति, इस कहानी में मुख्य व्यक्ति और मुख्य जो है वो है हामिद। हामिद की स्थिति कैसी थी इस कहानी के आधार पर हम जान सकते हैं कि हामिद एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक 4 या 5 वर्ष का एक दुबला पतला लड़का था। एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। इसकी परिस्थिति ऐसी थी कि गरीब परिवार की परिस्थिति कैसी होती है हम सब जानते हैं। और इस कहानी में हम देख सकते हैं कि अमीना और दूसरी मुख्य व्यक्ति है इस कहानी में जो हामिद की दादी अम्मा है, वो हर समय जब हामिद के मित्रों की खुशी देखती थी लेकिन हामिद को उस प्रकार का जीवन नहीं दे पा रही है, इस प्रकार की निस्सहायता हर समय वह व्यक्त करती थी। ये विषय हम इस कहानी में जानते हैं, हामिद की गरीबी और उसकी दादी अमीना की निस्सहायता हम स्पष्ट रूप से इस कहानी में समझते हैं और जानते हैं। किस प्रकार होती है गरीब परिवार का दिन चलना, किस प्रकार होते हैं उनके दुख, ये सब हम इस ईदगाह कहानी में देख सकते हैं। और इस कहानी में
प्रेमचंद रोचक और जो मन को दुखित करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो इस परिवार में गुजरते हैं, ये विषय भी हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और एक मुख्य विषय ये है कि शहर का वातावरण, जब हामिद ईदगाह को, ईद के दिन ईदगाह को नमाज के लिए जाता है अपने मित्र महमूद और मोहसिन सम्मी आदि मित्रों के साथ, जब जाता है तो पहली बार वह शहर को देखने लगता है, आश्चर्य हो जाता है कि जो शहर के इमारतें होती है वो बड़े बड़े देखकर खुश होता है और आश्चर्य होता है। सभी हामिद के सभी मित्र अपने अपने पिताओं के साथ, घर के बड़ों के साथ ईदगाह जाने लगते हैं, वो खुश नजर आते हैं। लेकिन हामिद गरीब है किंतु उसके अंदर एक प्रकार का विश्वास हम देख सकते हैं इस कहानी में। और जब वह शहर की ओर जाने लगता है, ईदगाह की नमाज पढ़ने ईदगाह की ओर शहर की ओर जाने लगता है, तो वहां पर वह अमीरों के बगीचे देखता है, बड़े बड़े इमारतें देखता है और अदालत क्लब और एक एक जो व्यक्ति भड़कीले वस्त्र देखकर आश्चर्य हो जाता है। क्या ईद के दिन इस प्रकार रहना है? ऐसी आशा और ऐसी सोच उसके दिमाग में आने लगता है। और उसके साथ साथ जब हम इस सारांश में और कुछ अंश देखते हैं, तो जब मेला या बाजार, जब शहर में वह प्रवेश करता है तो वहां के मेला और बाजार को देखता है और वहां के बाजार को देखकर वहां आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वह इससे पहले कभी भी इस प्रकार का अनुभव उसे नहीं हुआ था। कभी भी वह अपने जीवन में मेला बाजार से परिचित नहीं था, इसलिए जब वह ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने जाने लगा और वहां का मेला बाजार देखने लगा तो आश्चर्य होने लगा, नए नए वस्तुएं, नए नए खिलौनों को परिचय करने लगा और देखने लगा, चुपचाप चलने लगा। इस प्रकार उसके ईद के दिन का परिचय था। और हम अगले विषय पर जाएंगे तो सभी मित्र, हामिद के सभी मित्र अपने मनपसंद खिलौने खरीदने लगे। कुछ मोहसिन एक बिश्ती खरीदने लगा। बिश्ती ये होती है कि पानी ले जाने वाली एक छोटी सी गुड़ी। और महमूद सिपाही की खिलौना खरीदने लगा। और सम्मी जो हामिद का मित्र है वो एक धोबिन के खिलौना लेने लगा। इस प्रकार हामिद के सभी मित्र अपने मन चाहे खिलौने और मिठाइयां खरीदने लगे। सब खुश थे लेकिन हामिद सिर्फ उस वस्तुओं को देखने लगा और सोचने लगा, सिर्फ इस प्रकार गुजरने लगा उस ईद का दिन हामिद के लिए। और हम देख सकते हैं और उसके बाद क्या है, उसके बाद के मुख्य विषय इस सारांश में क्या है, अब देखेंगे कि हामिद का दिल सिर्फ अपनी दादी अम्मा के बारे में ही सोचने लगा। क्या है दादी अम्मा, क्या अपने लिए क्यों नहीं खरीदता कोई भी वस्तु, दादी अम्मा के लिए क्यों सोच रहा है, ये हम आगे जानेंगे क्या है इस विषय। और इस कहानी में और एक जो मुख्य विषय है, हामिद का मजाक उड़ाना। सभी मित्र अपने मन चाहे वस्तुएं खरीदने लगे, अपने मन चाहे खिलौने खरीदने लगे, मिठाइयां खरीदने लगे, खाने लगे और हामिद को मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि हामिद के पास तो उतने पैसे थे ही नहीं जो अपने मित्रों के पास थे। और वो मित्र अपने मन चाहे वस्तुएं खरीदने लगे और हामिद को मजाक उड़ाने लगे, क्या तुम यही नहीं खरीदोगे, क्या तुम यह खिलौना नहीं खरीदोगे, क्या तुम यह मिठाई नहीं खरीदोगे। इस प्रकार अपने हामिद के मित्र उसके मजाक उड़ाने लगे। होने पर भी हामिद कुछ नहीं कहता था, खामोश उस मेले में और बाजार में सभी वस्तुएं और खिलौनों को देखने लगता था, क्योंकि उसके मन में और कुछ दूसरी बात थी, इसलिए वह कोई भी वस्तु खरीदने इच्छुक नहीं था। और इस कहानी में हम देखेंगे तो उसके बाद वह मेले में चलते चलते एक लोहे के दुकान के पास रुक जाता। लोहे के दुकान के पास एक वस्तु उसे आकर्षित करती है,
वस्तु क्या है? एक छोटा सा चिमटा। वह देखता है और लोहे के दुकानदार को पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार उसका दाम, उसका मूल्य, उसकी राशि कहेगा तो 6 पैसे है। 6 पैसे है, उस चिमटे का मूल्य 6 पैसे है। यह कहने पर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है, 6 पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे थे। वो 3 पैसे में ही वह कुछ ना कुछ खरीदना चाहता था। वह चिमटा इसलिए खरीदना चाहता था कि अपनी दादी अम्मा जब भी रोटी जलाने लगती है आग पर तो उसकी उंगलियां जल जाते थे आग से। यह देखकर हामिद बहुत दुखी होता था। वह समझता था कि कुछ वस्तु हमारे दादी अम्मा के लिए खरीदो ताकि मेरे लिए नहीं। ये सोचकर वह मेले में घूमने लगा और एक लोहे के शॉप दुकान के पास रुक गया और वहां पर चिमटा खरीदा। वह दुकानदार 6 पैसे कहकर 3 पैसों को हामिद को दे दिया और वह चिमटा लिया और अपने मित्रों के साथ मिलकर फिर घर लौटने लगा। घर आया और दादी माँ को वह चिमटा बताया। दादी माँ अफसोस हो गई, परेशान हो गई। अरे ये कहाँ का बेसमझ लड़का है, सुबह सवेरे गया था ईदगाह नमाज के लिए और ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन ये 3 पैसे डालकर एक चिमटा लेकर आया। यह देखकर दुखी हो गई, ये बेसमझ लड़के को देखकर दुखी हो गई। जब उसके बाद हामिद ने समझाने लगा, दादी अम्मा वहां पर खाने के लिए मेरा जी नहीं चाहता था, मैं सिर्फ आपके लिए सोचने लगा था कि जब भी आप मेरे लिए रोटियां बनाती थी तो आपकी उंगलियां उस आग में जलती थी, इसी कारण मैं आपके बारे में सोचने लगा और आपके लिए, तुम्हारे लिए मैं एक चिमटा लेकर आया। वो चिमटा कितने का था? 3 पैसे का था। इस प्रकार कहने पर हामिद की दादी अम्मा के आंखों में आंसू आने लगे। उस आंसू को हम खुशी के आंसू कहते हैं। अब उस साथ में साथ दादी अम्मा का क्रोध जो हामिद के प्रति था, साथ ही साथ वह प्रेम में बदल गया और उस हामिद को 2 हाथों में लेकर दुआएं देने लगी। ये लड़का खुद के बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा। इस कहानी का मुख्य विषय वही था जो हम उद्देश्य में चर्चा किए थे कि त्याग, सद्भाव और विवेक, इन तीनों मूल्यों की प्रशंसा करते हुए दादी अम्मा खुशी के आंसू बहाने लगी। ये है ईदगाह कहानी का सारांश और इस कहानी से संबंधित सारांश के मुख्य विषय। हम आज इस विषय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। धन्यवाद।